हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विवेक दत्ता और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में सब कुछ बंद है। तो क्या आपने सोचा है कि लॉकडाउन के खुलने के बाद क्या होने वाला है, क्या होगा लॉकडाउन के बाद? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, आपने ईटी का एक आर्टिकल आया था, वो तो पढ़ा ही होगा। उसके अंदर ये था कि 2.5 करोड़ जॉब जाने वाली है ग्लोबली। नैसकॉम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 60,000 एम्प्लॉयमेंट हुई थी 2019 में, लास्ट ईयर, स्टार्टअप के अंदर, और तकरीबन 1.5 करोड़ और ऑफलाइन जॉब लगी थी, इनडायरेक्ट जॉब लगी थी, वो भी 60-70% डाउन जाने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप नेट पे आर्टिकल सर्च कीजिएगा, आपको आर्टिकल मिल जाएगा। उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो मेरे समझ में आई जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लॉकडाउन में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो भी चीज़ें ऑनलाइन है वो तो सर्वाइव कर गई बहुत हद तक, जो ऑनलाइन नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर रहे, वो सारा चीज़ बंद पड़ा है। आज के डेट में अगर हम बात करें कि किन की जॉब सिक्योर है या कौन से किन की बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, तो एक ही वो सेक्टर है जिसमें भी ऑनलाइन वर्क होता है, वो सारा काम आज के डेट में चल रहा है, उनको नहीं के बराबर इफेक्ट पड़ा है। और जितनी भी आईटी कंपनी है उनका भी एक सर्वे आया है, आईटी जो एम्प्लॉय है उनके लिए भी काफ़ी खुशखबरी है। क्योंकि अभी तक तो ये था अपने देश में, इंडिया में, कि क्या कहते हैं, मैक्सिमम लोग ऑफिस में आओ तभी काम होगा, ये जो मेंटेलिटी थी लॉकडाउन में ये मेंटेलिटी खत्म हो गई। आईटी का जो सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग जब से लॉकडाउन हुआ और वो अपने एम्प्लॉय को घर से काम करने की अनुमति दिए, तब से लेके अभी तक उनका जो उनके जो एम्प्लॉयमेंट की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई है, 80% तक प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। जब एम्प्लॉय ऑफिस में आके काम करते थे तो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं थी, बट अगर घर से काम कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो आईटी कंपनी ने तो ये डिसाइड किया है कि 80% के आसपास जो एम्प्लॉय हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आईटी सेक्टर में जितने भी लोग हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कि घर से काम करने को मौका मिलेगा, घर से काम करेंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि लॉकडाउन के बाद कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ज़्यादा डिमांड होने वाली है जॉब की, और किस किस फील्ड में ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो दोस्तों, लॉकडाउन के बाद मैक्सिमम जो बिजनेस है जो ऑनलाइन नहीं है वो चाहेंगे कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए, और जब वो ऑनलाइन लेके आएंगे तो क्या होगा, डिजिटल मार्केटर का डिमांड बढ़ेगा, तो डिजिटल मार्केटिंग का जो करियर है वो बूम होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग में जॉब बढ़ेगी। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आई एम श्योर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि किस किस सेक्टर में और किस किस फील्ड में जॉब आने वाली है लॉकडाउन के बाद। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना चाहेगी, तो इसलिए डिजिटल मार्केटर का वहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, तो ये यहाँ पे करियर बूम होगी, उनकी जॉब सिक्योर है। दूसरा आते हैं ग्राफिक्स डिजाइनर, क्योंकि हर कंपनी को जब ऑनलाइन लेके आएंगे अपने बिजनेस को तो वहाँ पे ग्राफिक्स डिजाइनर चाहिए ही चाहिए, तो ग्राफिक्स डिजाइनर की जॉब। उसके बाद आते हैं कंटेंट राइटर, इनकी जॉब बढ़ेगी कि कंटेंट राइटर की डिमांड होगी जब ऑनलाइन लेके आएंगे बिजनेस को, तो वहाँ पे कंटेंट चाहिए, वहाँ पे कंटेंट राइटर चाहिए, जब कंटेंट चाहिए तो कंटेंट लिखने के लिए कंटेंट राइटर चाहिए, तो कंटेंट राइटर की भी जॉब। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मुझे याद आ गया, कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था किसी भी न्यू स्किल्स को सीखने में जो हमें टाइम लगता है वो कितना लगता है, आपको क्या लगता है? किसी भी न्यू स्किल्स को लर्न करने में हमें 101 डेज लगते हैं, और आपको पता है कि वो न्यू स्किल्स कब तक चलती है? वो जो नया स्किल्स जो हम लर्न करते हैं 101 दिन में, वो 1.5 से 2 साल के बाद वो पुराना हो जाता है। तो हमें हर 2 साल में न्यू स्किल्स को लर्न करना होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नया स्किल्स को लर्न कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। दोस्तों, मैंने बिगनर्स के लिए एक SEO कोर्स स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, जो प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सर्कल में इसको शेयर कीजिए, और बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि अगर बेल का आइकन आप दबा देंगे जब भी हम नया वीडियो लेके आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।